हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वह है लो साइड फ्लोट वाल्व। कि हमारा लो साइड फ्लोट वाल्व क्या होता है, कि पहले मैं बात करूँगी फ्लोट वाल्व क्या होता है। फ्लोट वाल्व का मतलब होता है एक हमारी ऐसी तैरती हुई वस्तु जो क्या करेगी, वाल्व को क्या करेगी, ओपनिंग का और क्लोजिंग का काम करेगी। अब लो साइड का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लोट वाल्व है ना, ये हमारा लोअर साइड कनेक्ट होता है। लोअर साइड कनेक्ट मतलब क्या है कि जो भी हमारी वाल्व होता है वो हमारा क्या होता है, एक हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर के बीच में और इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है। ठीक है, तो हमारा ये हमारा कंडेंसर या हाई प्रेशर साइड है और हमारा जो इवेपोरेटर तो ये हमारा लो साइड होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा ये वाल्व होता है ये इवेपोरेटर साइड एक तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में और इसके पार्ट के बारे में। तो ये दोस्तों हमारा पूरा एक तरीके का हमारा चैम्बर बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी होती है फ्लोट जो हमारा क्या करता है, तैरता रहता है एक हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। ये हमारा क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ये क्या है हमारा, पूरा हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ओके, ये हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ये हमारा होता है निडल वाल्व। निडल वाल्व का मतलब क्या है, ये हमारा क्या क्या करेगा, हमारा ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो हमारा इंटर कर रहा है ये ओपनिंग कब होगी, क्लोजिंग कब होगी, कब होगा, वो इसकी हेल्प से निडल वाल्व हमारा करता है। ये हमारा होता है वेपर रीजन। अब ये वेपर रीजन कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे। और ये हमारा होता है सक्शन रीजन, यानी कहने का मतलब जो यहाँ से हमारी वेपर बन जाती है वो हमारी यहाँ से आउट हो जाती है और सक करने के बाद हमारी ये कंप्रेसर में चली जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा जो होता है वहां यहाँ लगा हमारा होता है इवेपरेटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ लगा हमारा क्या दोस्तों लगा होता है, इवेपरेटर लगा होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी मैकेनिज्म हमारी कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये हमारी लोअर साइड कनेक्ट है, यहां से हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा यहां से इंटर करेगा, यानी कहने का मतलब जो हमारा कंडेंसर या कंडेंसर से हमारा या फिर कह सकते हैं रिसीवर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां से इंटर होता है। जब यहां से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर होता है तो यहां हमारी लगी होती है इवेपोरेटर। तो जो इवेपोरेटर का मेन वर्क क्या होता है, कूलिंग प्रोवाइड करना। और कैसी कूलिंग प्रोवाइड करेगा, सराउंडिंग की हीट को जहां से कनेक्ट होगा उसकी हीट को लेगा। ठीक है, तो ये इवेपोरेटर क्या करता है, ये इवेपोरेशन की प्रक्रिया करता है। जब ये इवेपोरेशन की प्रक्रिया करता है तो ये क्या होता है, जो हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वेपर में चेंज होने लगते हैं। जब ये वेपर में चेंज होने लगेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां भी क्या भरा है, लिक्विड भरा हुआ है। जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर में चेंज होने लगेगा तो ये हमारा वेपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है वेपर का रीजन। ठीक है, अब ये जब ये ऊपर आएगा तो जो हमारी फ्लोट वाल्व है ये क्या हो जाएगी, डाउन होगी। तो क्या फ्लोट वाल्व का मतलब क्या है, ये हमारे ऐसा मैकेनिज्म है जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे लिक्विड रेप्रेजेंट हमारा कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड रेप्रेजेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारे जो निडल वाल्व है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करे। तो क्या होता है, जब ये वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं तो लिक्विड रेप्रेजेंट हमारा जो होता है, लिक्विड क्या होगा, लेवल इसका क्या हो जाएगा, लोअर चला जाएगा। जब ये लोअर चला जाता है तो ये फ्लोट वाल्व भी क्या हो जाती है, डाउन होने लगती है और हमारा वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और लिक्विड रेप्रेजेंट हमारा पुनः इंटर करता है। अब ये जो भी हमारा वेपर कन्वर्ट हो गया है वो क्या होता है, यहां से निकल के ये हमारी सक्शन जो लाइन बनी हुई है यहां से निकल के हमारा कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो लो साइड फ्लोट वाल्व होता है वो वर्क करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेंट इज इवेपोरेटेड, जो हमारा रेफ्रिजरेंट हमारा जो भरा हुआ वो इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड लेवल फॉल्स, लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, इसका डाउन हो जाएगा। जब ये डाउन हो जाएगा तुम्हारी जो फ्लोट वाल्व क्या है वो भी नीचे जाएगी और हमारी जो वाल्व है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और हमारा लिक्विड इंटर करेगा। इसी तरीके से जब ये लिक्विड लेवल फिर अपने एक अमाउंट पे इस लेवल तक, जो हमारा लेवल बनाया है जैसे कि मैंने इस वेपर का लेवल बनाया है इस फ्लोट वाल्व के अकॉर्डिंग, जब लेवल बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा फ्लोट वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और हमारी जो निडल वाल्व है ये हमारी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा लो साइड फ्लोट वाल्व होता है वो वर्क करता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा तुम्हारा लो साइड फ्लोट वाल्व कैसे वर्क करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।